अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको मज़ेदार सा ज़रदा बनाना सिखा रहे हैं। आज ये ज़रदा मैं नहीं, मेरे भाई बनाकर दिखाएंगे आपको। तो उसके लिए उन्होंने 2 गिलास चावल लिए हैं, 1 कटोरी चीनी ली है और आधा कप घी चाहिए होगा, मुरब्बा चाहिए होगा और ये बादाम हमने गर्म पानी में भिगो दिए हैं। और इसके साथ साथ हमें इसके लिए 1 कप दूध भी चाहिए होगा। तो चलें अब हम पहले चावल बॉईल करते हैं। और ये देखिए, हमने पैन में पानी चढ़ा दिया है, अब ये बॉईल होगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। नाज़रीन, ये देखें, इन्होंने पानी के अंदर 7 से 8 अदद लौंग डाल दिए हैं और 5 से 6 अदद इलायची। ये देखें, साथ इन्होंने थोड़े से नारंगी के छिलके डाल दिए, इससे जर्दे में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी इन्होंने ढक दिया और इसको पानी के साथ ही तेज आग पर बॉईल करेंगे। जी नाज़रीन, देखें पानी में अच्छी तरह से उबाला आ चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे 2 घंटे से, वो ऐड कर देंगे। देखें नाज़रीन, हमने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए। जी देखें, ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिए। अब जैसे ही चावल बॉयल होते हैं हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, चावल जो हमारे हैं वो 1 कन्नी तक बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमने चावल छान लिए। चले नाज़रीन, हम पैन में तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने चीनी ली थी 1 कटोरी, वो शामिल कर देंगे। अब इसमें से चीनी का दाना ख़त्म करना है। तो जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये चावलों के लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर लिया है। इनको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने बस 1 टीस्पून ग्रीन कलर लेना है, 1 टीस्पून रेड कलर लेना है और इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करना है और इसमें भी 1 टेबल स्पून पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ये पतला हो जाएगा तो कलर अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए देखिए नाज़रीन, ये हमारा चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें करना ये होगा, इस शीरे के अंदर हम चावल और जो हमने इसमें नारंगी के छिलके डाले थे, इलायची और लौंग, उन सबको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम उन चावलों को दम पे रख देते हैं। पांच मिनट के लिए नाज़रीन, ये देखें चावल हमारे पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ज़रदा रंग लिया था वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। ये एक तरफ हमने रेड कलर डाल दिया और दूसरी तरफ अब हम ग्रीन कलर
डाल देंगे बस। अब हम इसमें मुरब्बा ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको हम 5 मिनट दम देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी लास्ट लुक। नाज़रीन ये देखिए हमने दम हटा लिया है। चलिए आगे नाज़रीन ये देखिए हमने दम हटा लिए और ये कलर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। नाज़रीन ये हमने दम हटा दिया। दम हटाने के बाद हमने चावलों को मिक्स कर दिया। अब हमने जो आधा किलो कुकिंग ऑयल लिया हुआ था उसमें से हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे जी। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर आपको इसकी लास्ट लुक चेक करवाते हैं। नाज़रीन ये चावलों का हमारा जो दम है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको दम से हटाते हैं। जी नाज़रीन इसका अब हम दम खोलते हैं और इसके अंदर तकरीबन 1 ड्रॉप केवड़ा शामिल करेंगे। जी हमने इसमें केवड़ा शामिल कर दिया और अब हम इनको मिक्स करने के बाद सर्व करते हैं। जी नाज़रीन अब हम इनको प्लेट में सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। जी नाज़रीन ये हमारा मज़ेदार सा ज़र्दा बनके रेडी हो चुका है। अब हम टेस्टिंग का टाइम आता है, इनको टेस्ट करवाते हैं। वैसे तो नाज़रीन सबकी माएँ होती हैं लेकिन मेरी दो दो मामा है आए, मैं उनमें से एक मामा को चेक करवा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। चले मामा आप टेस्ट करके बताएं ये कैसे बने हैं। वाओ नाम लग वाओ।